मैथ के एडवांस मैथ के अलावा कितने क्वेश्चन थे? दो से तीन क्वेश्चन थे, ज्यादा नहीं थे। करंट अफेयर्स की बात करें, करंट अफेयर्स आपका 2019-20 का रहा, सिर्फ 2022 का? नहीं, 22 का ही था ज्यादातर तो। साइंस की बात करें, एनसीईआरटी लेवल का था या मॉडरेट होता जा रहा था? मॉडरेट ही था, ज्यादा नहीं था। और मैम जीके की बात करूँ, स्टैटिक जीके के अलावा कितने? स्टैटिक जीके के लगभग थे 4-5 क्वेश्चन। यस, जैसा कि मैम ने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि उन्होंने बताया कि स्टैटिक जीके 4-5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया आपने, अटेम्प्ट कर दिया। ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको याद हो सर? उसमें से याद है ना, वो इतना अच्छा नहीं है, ध्यान नहीं रहा है थोड़ा। जी सर, ध्यान नहीं रहा सर। सर एडवांस मैथ की बात करूँ तो एडवांस मैथ के लगभग कितने क्वेश्चन थे सर? एडवांस में जी, एडवांस मैथ के लगभग कितने क्वेश्चन थे? इतना मुझे नहीं, मैंने 71 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं सर। कोई क्वेश्चन ऐसा सर जो आपको याद हो? जी सर, याद है मुझे क्वेश्चन, बता दीजिए। बोलक वाला क्वेश्चन आया था जिसमें कई संख्याएं दे रखी थी, इसमें 20 बोलक आया था जी, और केमिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन थे इसमें। कोई क्वेश्चन केमिस्ट्री जो आपको याद हो? रिएक्शंस दे रखी थी जी, पारे की और उसके साथ में थी कुछ रिएक्शन इस तरह से, और रिएक्शन वगैरह दे रखी थी, ठीक है। और आपका त्रिकोणमिति का एक क्वेश्चन था, हाइट एंड डिस्टेंस को कोई क्वेश्चन था? हाइट एंड डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन नहीं। एलजेब्रा से कोई क्वेश्चन था? एलजेब्रा से दो क्वेश्चन थे जी, एलजेब्रा से दो क्वेश्चन थे जिसमें मूल पूछे गए थे और उनकी प्रकृति पूछी गई थी, जो दोनों ही क्वेश्चन मैंने जो है। सिटिंग अरेंजमेंट की बात करूं मैं तो, सिटिंग अरेंजमेंट राउंडेबल थी या सिंपल थी? सिटिंग अरेंजमेंट सिंपल थी, कोई ज़्यादा टाइम वाली नहीं थी। अगर कोई लड़का सही से तैयारी किया हुआ है तो आराम से कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली किसी भी तरह की। पजल के कितने क्वेश्चन थे सर? पजल के 3 क्वेश्चन थे जी, पजल के 3 क्वेश्चन थे और ज़्यादा टाइट नहीं थे, वो टाइम की अभाव रहता है, अर्थात टाइम थोड़ा ज़्यादा मिले तो हर एक स्टूडेंट कर सकता है आसानी से, और कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती। सर हम बात करें करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स पहले 2019-20 की रही थी और अब आपकी करंट अफेयर्स 5-6 दिन से लगातार सिर्फ 2022 की आ रही है, तो करंट अफेयर्स आज सिर्फ 2022 की रही है, 2019-20 की करंट जी? करंट अफेयर्स 2022 की रही है, लेकिन एक क्वेश्चन ओल्ड जीके का भी था, एक क्वेश्चन ओल्ड जीके का जो 1956 से रिलेटेड था। और मैं बात करूँ आपके संविधान की, तो संविधान से भी 2-3 क्वेश्चन बने हैं। सर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? 68 अब, 68। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? 77। कोई क्वेश्चन ऐसा सर जो आपको याद हो? याद है जी, एक्स का 4 माइनस के 125 जी, वो आपको 625 वाला था जी, उसमें आपका एक्स वर्ग माइनस 25 एक प्लस वाला एक माइनस फॉर्मूला था, ये वर्ग प्लस माइनस वर्ग वाला। सर और मैं बात करूँ करंट अफेयर, जैसे कि सर बता रहे हैं 2022 का ही आ रहा है कि सिर्फ 2019-20 का कोई करंट अफेयर? 21 का भी है। 21 का ही? हाँ सर। साइंस की बात करूँ, पहले सर एनसीईआरटी लेवल का आ रहा था, लेकिन 5-6 दिन से सिर्फ साइंस मॉडरेट टू एजी हो रहा है साइंस, तो क्या साइंस मॉडरेट है या एजी था या हार्ड था? क्लास 10th का लेवल का क्वेश्चन है जी, क्लास 10th का जी। जैसे आपका था प्रकाश गढ़ से निकलती हैं, सूर्य के द्वारा निकलती हैं, ऐसे क्वेश्चन थे। हाइट एंड डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन था? हाइट दो क्वेश्चन थे। परसेंटेज का क्वेश्चन? एक क्वेश्चन था जी। अर्थमेटिक और एडवांस मैथ की बात करें, लगभग एडवांस मैथ कितने क्वेश्चन थे? उसमें से आपके 2 सवाल थे बस, एडवांस मैथ के सिर्फ 2 सवाल थे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पिछले वाली शिफ्ट में 3 से 4 दिन पहले आपके 8 से 10 क्वेश्चन एडवांस मैथ के रहे थे, जो कि अब कम होकर के 2 से 3 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं किस प्रकार का एग्जाम रहा आपका। तो सर कोई क्वेश्चन जैसा आपको याद हो? सर संविधान से पॉलिटी से आए थे, संविधान से क्वेश्चन आए थे और रीजनिंग के भी ठीक क्वेश्चन थे जी। घड़ी का कोई क्वेश्चन नहीं था, बच्चे घड़ी क्लॉक पर अपना टाइम वेस्ट न करें, क्लॉक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, डाइस का भी कोई क्वेश्चन नहीं था, क्लॉक डाइस का कोई क्वेश्चन नहीं आया है। और आपका पजल की तैयारी करें, सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन अनुच्छेद 77 अनुच्छेद से आए क्वेश्चन, अनुच्छेद नंबर 23 आया है और यूएनडीपी की जो प्राजक्ता कोहली है उनका आया है, और जो है सभी से आ रहे हैं, पर स्पीड मेंटेन करनी है मुख्य बात, ये है सबसे बड़ी बात, यही आपको स्पीड मेंटेन कैसे कर सकते हो यही आपका एग्जाम निर्धारित करता है। तो और भी सर कोई क्वेश्चन याद हो? जैसे आपको एक कंपनी पूछी थी तेल स्रोत, पुरानी कंपनी कहाँ पे थी? टाइम एंड वर्क का कोई क्वेश्चन है सर? जी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आया था टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, जैसे 3/4 भाग काम को 12 दिन में और 1/4 भाग को 8 दिन में, इस तरह से क्वेश्चन था, तो दोनों मिलकर किस करेंगे तो आसानी से बन गया। सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, टाइम एंड वर्क का कोई आठवीं क्वेश्चन नहीं था, टाइम एंड वर्क का आसानी से आप कर सकते हो। टेन थीटा का 3/4 दे रखा था, वन माइनस साइन ए बट्टे वन प्लस साइन ए का पूछ रखा था, तो उसका आंसर बहुत आसानी से बन गया था। और स्ट्रेटेजी जीके के उड़ान योजना जो है 2022 में उड़ान योजना है, उसका जो क्या वो था वो हुआ है जी।
हाँ जी, करंट अफेयर उड़ान योजना संबंधित भी आपके क्वेश्चन रहे थे, जो कि करंट अफेयर्स के हम बार बार बात कर रहे हैं आपकी। करंट अफेयर्स सिर्फ और सिर्फ अभी 2022 का आ रहा है, 2019-20 का कोई करंट अफेयर्स नहीं है। तो आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं अगली शिफ्ट में। बाय बाय, टेक केयर।